पत्थर, बेलास्ट या कोल टार के बजाय यहाँ पर रोड को स्टील स्लैग से बनाना, ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन भारत ने इसे सच कर दिखाया है। सुनने में ये काफी ज्यादा अविश्वसनीय सा लगेगा, जी हाँ सब चौंक जाएंगे ये बात सुनकर, बट फाइनली भारत ने इसे पॉसिबल कर डाला है। भारत ने यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन में स्टील सॉडस्ट का यूज करके एक बेहद ही स्ट्रांग रोड को बना डाला है। नॉट ओनली दिस, अगर कॉस्ट पे हम कंपेयर करें कन्वेंशनल नॉर्मल रोड से, इसकी कॉस्ट तो 30% चीपर है। सो ये भी एक अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इस रोड को सूरत में बनाया गया है, गुजरात के। वैसे तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ पर नितिन गडकरी जी काफी लंबे समय से कॉन्स्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं टू प्रमोट रोड कंस्ट्रक्शन विद स्टील स्लैग, सो दैट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर इतना बर्डन ना पड़े, इसे हम बचा पाए। और फाइनली हमने एक काफी बड़ी अचीवमेंट कर डाली है। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नीति आयोग, इस रोड को सूरत के हजीरा में बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, फिर CSIR, CRRI और AMNS। इसकी कुल लंबाई है 1.2 किलोमीटर की। ये एक 6 लेन रोड है जहां पर हमने काफी अच्छे ढंग से पूरी तरह से स्टील स्लैग, जो भी लेफ्ट ओवर सॉडस्ट रहता है स्टील का, उसे यूज करते हुए इसमें बनाया है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम जो फैक्ट्री से स्टील स्लैग निकलता है तो उसको सीधे सीधे हम रोड में डाल सकते हैं। इनफैक्ट इस पर रिसर्च करनी पड़ती है, इसे ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम काफी सक्सेसफुली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर पाए। डॉक्टर सतीश पांडे, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और हेड ऑफ प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने प्लांट से इस स्टील स्लैग को प्रोसेस किया, फिर उसे कन्वर्ट किया, एक रोड यूजेबल मटेरियल बनाया ताकि हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर पाए। इसी का नतीजा है कि पूरे भारत में पहली बार सूरत में हमने ऐसा रोड बना डाला है जो कि स्टील स्लैग से बना है। यहाँ पर आप पोस्टर भी देख सकते हो, यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जहाँ डिफरेंस बताया गया है हमारे नॉर्मल और स्टील स्लैग वाले रोड में। ये हमारे दोनों ही मिशन, वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत कैंपेन जो सरकार रन कर रही है, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई भी करता है। दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर लोगों को ये होगा कि इतना सारा स्टील स्लैग हम लाएंगे कहाँ से। सो लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पर भारत में स्टील स्लैग की तो कमी ही नहीं है, काफी बार तो यहाँ पर पहाड़ बन जाते हैं, इतना सारा स्लैग जमा हो जाता है जो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे नेचर को भी हार्मफुल रहता है। लेकिन अगर इस तरह से इनोवेटिव ढंग से हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करें तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू CRRI, यहाँ पर जो रोड थिकनेस है वो 30% हमने रिड्यूस कर डाली है। भारत में स्टील स्लैग के प्रोडक्शन पर नजर डाले तो अरुणी मिश्रा, जो की कंपनी की हेड ऑफ कैपेक्स प्रोक्योरमेंट है AMNS इंडिया हजीरा कंपनी की, उन्होंने कहा कि भारत 20 मिलियन टन ऑफ स्टील स्लैग प्रोड्यूस करता है हर साल। 2030 तक तो हमारा जो टारगेट है 300 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन को अचीव करना, ये जब टारगेट हम सेटिस्फाई कर लेंगे तब तो भारत में स्टील स्लैग का प्रोडक्शन हो जाएगा 45 मिलियन टन। इतने सारे फिर वेस्ट को एक्यूमुलेट करके अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करें तो फिर इससे बेटर उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये जो रोड बनाई है सूरत में, इसमें रिसर्च भी की गई, 1000 से 1200 व्हीकल जिसका कुल वेट 18 से 20 टन का है, हर दिन ये पास होते हैं इस रोड पे। क्वालिटी में यहाँ पर कोई हमें डिफरेंस देखने नहीं मिला है, उल्टा थिकनेस यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है रोड की। सो ओवरऑल हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम ने एक काफी कमाल का काम करके दिखा दिया है। वेस्ट को यूज करके हम बेहद ही स्ट्रांग रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो भी 30% लेस कॉस्ट में। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।